यसराज आई थी जी। लेकिन आपकी बीवी ने तो आपको ये बात बताई नहीं होगी ना। क्यों बताएगी भाई, क्योंकि उसकी भतीजे के कारनामे सब खुल के सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो यसरा मुझे बताती। यसरा ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम उस पर यकीन नहीं करते हो, उल्टा ब्लेम करते हो उस पर। हमें पता है आज भी हारिस घर आया था और अनुषा उसके साथ बैठकर बाहर गई है। अरे अनुषा का हारिस के साथ नहीं, पता नहीं कितने लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। चालाक लड़की है, तुम्हारे सामने तो बहुत मासूम बनती है। हाँ मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन तो आएगा नहीं। एविडेंस है मेरे पास, देखना चाहोगे? कौन से सबूत हैं आपके पास, मुझे भी दिखाइए। लेकिन एक बात बता दो, आप कितने भी मुझे सबूत दिखा दें, मैं मान ही नहीं सकती कि अनुषा कोई भी ऐसी हरकत करेगी कि भाईजान की इज्जत पर आंच आए। और अपनी गलतफहमी को दूर कर लो, ये हैं वो सारे सबूत, खुद देख लो। अभी आपको ये बोल भी दूं कि मैं उसके साथ नहीं गई थी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि जिसने आपको ये पूरी कहानी सुनाई आपको उसकी बात पर यकीन है, इसीलिए मेरा चुप रहना बेहतर है। फर्ज क्या करना है, ये कौन है, ये अब इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता, क्यों मिल रही हो इससे?